दिल्ली के मुख्य सचिव से जुड़ा कथित भ्रष्टाचार का मामला हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेजते हुए चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। दरअसल विजिलेंस मंत्री आतिशी की रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार को पद से हटाने की सिफारिश शामिल है। पद से हटाने की सिफारिश करते हुए तर्क दिया गया है कि ऐसा इसलिए किया जाए ताकि इस मामले की जांच प्रभावित न हो सके। इसके साथ ही इस कथित भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी सभी फाइलों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने की मांग की गई है। आतिशी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस फाइल को ईडी और सीबीआई को भेजा जाए ताकि जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके।